हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9 यूनिट 12 में। हीरोन्स फार्मूला शुरू कर रहे हैं आज हम, राइट। यानी हीरोन का सूत्र ये क्या है, तो आज मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको समझाऊंगा ये बेसिक फंडामेंटल क्या जरूरत पड़ी, हीरोन के सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ी, हीरोन कौन है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हीरोन सूत्र का की आवश्यकता पड़ी क्यों, है ना, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये बेसिक फंडामेंटल के तौर पर। और फिर हम 12.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे हीरोन सूत्र के द्वारा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल में, देखो मैं आपको बताऊँ कि देखो हमारे पास कई हीरोन सूत्र जो है वो त्रिभुज में लगता है, नहीं कई सारे ऐसे त्रिभुज जिसका डायरेक्ट फार्मूला लगता है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास किसी त्रिभुज में, बेसिकली हम हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, राइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोगों ने कई त्रिभुज का क्षेत्रफल सुना होगा, जैसे कि मान लो एक त्रिभुज आपके पास ये है ना, एक त्रिभुज आपके पास क्या है, ये है, ये त्रिभुज है ना, ये आधार होगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और अगर शीर्ष से एक मैंने यहाँ पे खींचा तो ये लंब हो जाएगा ना, डी, तो इसका क्षेत्रफल लगा। अगर मान लो आपको लंब पता है ना, आपको लंब पता है और आधार भी पता है सपोज, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा बेटा, एक बटा दो आधार गुना ऊंचाई, है ना, एक बटा दो आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, ये फार्मूला आपने सुना होगा, है ना, ये फार्मूला है। फिर अगर मान लो एक और क्षेत्र की बात करें जिसमें आपके पास ना ये आपके पास लंब दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है ना, लंब है, ठीक है बेटा, ये गया आपके पास लंब, तो ये हो गया ABC, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया बेटा, लंब हो गया, तो फिर वही होता है ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर से क्या आ जाएगा बेटा, वही एक बटा दो आधार गुना ऊंचाई या आधार गुना लंब, ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है। यानी आप ये जो अगर लंब आ रहे किसी सिर से तो तब भी आप ये फार्मूला लगा सकते हो, और आधार और अगर ऊंचाई दे रहेगा तब भी आपके पास ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक, तो जब आपको आधार और लंब पता है तो आपको ये फार्मूला लगाना होता है। एक होता है आपके पास, एक और त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज ना, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट त्रिभुज दिया हुआ है और डिफरेंट फार्मूले से आप क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे त्रिभुज की बात करूं, अब मैं वापस आता हूँ हीरोन के फार्मूले पे, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे त्रिभुज की बात करूं जो विषमबाहु हुआ, क्या विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, सपोज ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। अगर तीनों भुजाएं अगर अलग अलग होगा तो व्हाट विल हैपन, तो ऐसे में हमारे पास कोई सूत्र नहीं था ना, ऐसे त्रिभुजों का जिसका भुजाएं अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं था। तो हीरोन हमारे लिए लेकर आए है ना फार्मूला, हीरोन ने हमें विषमबाहु त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं, तीनों जो भुजाएं जब अलग अलग होंगी तो हीरोन ने हमें ये फार्मूला दिया है ना। और हीरोन बहुत उम्दा टाइप के बहुत मैथमेटिशियन थे है ना। एक्चुअली अगर मैं हीरोन के बारे में अगर आपको मैं बात बताऊं कि जो हीरोन था ना, कहाँ पे, यानी मिस्र देश का है ना, मिस्र देश में वो जन्मे थे और अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, है ना। तो बहुत बताया जाता है कि बहुत अनुभवी और सुप्रसिद्ध है ना, सुप्रसिद्ध बहुत फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं ये। इन्होंने किसी भी विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा अगर अलग अलग है, किसी भी तरीके का त्रिभुज है, तो आप उनके हीरोन के सूत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हो, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। हीरोन ने क्या सूत्र दिया, अगर मैं बात करूँ हीरोन फार्मूला, तो हीरोन ने क्या सूत्र दिया, अगर आपके पास त्रिभुज अलग अलग है तो हीरोन ने कहा, जैसे मान लो कोई त्रिभुज मैंने ले लेता हूँ, सपोज ये अलग अलग त्रिभुज है, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ना, सपोज तो 7×13=17 हो जाएगा ना, या अगर मान लो कुछ भी अलग अलग है तो सपोज, तो हीरोन ने क्या फार्मूला दिया, हीरोन का सूत्र क्या कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, हीरोन का सूत्र है ना। तो ये अगर ये त्रिभुज अगर मैं किस पे लगाऊँ, ABC पे, ए बी और ये सी पे, तो उसका जो फार्मूला हीरोन ने दिया S है ना, ये S मतलब सेमीमीटर, अभी मैं समझाऊंगा, S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C, जहाँ पर आप किसी एक भुजा को क्या क्या मान सकते हो, छोटा A, उसको क्या बोल सकते हो, उसको B बोल सकते हो ना, तो क्या बोल सकते हो, B,
और ये इसको क्या बोल सकते हैं, आपके पास सी है ना, ये आपके पास क्या है, सी है, तो इस तरीके से ये फार्मूला लगेगा। और जहाँ पर एस क्या है आपके पास, यहाँ पर एस, ऐसे यहाँ पर एस का मतलब क्या, अर्ध परिमाप है। क्या ये एस इक्वल टू क्या बेटा, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है मैं आपको भी समझाता हूँ, है ना। तो अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है बेटा, तीनों भुजाओं का योग बटे में दो, तीनों भुजाओं का जोड़ दिया, यानी ए प्लस में बी प्लस में सी बटा क्या कर दो, दो। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। और बाद में फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो है उनका सूत्र है एस एस माइनस में ए एस माइनस में बी एस माइनस सी निकाल कर आप क्या कर सकते हो, हीरोन के फार्मूले को, हीरोन के जो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो हीरोन, हीरोन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी त्रिभुज को। तो आप जो 12वां चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं, 12.1 और 12.2, उसमें आपके पास देखो मैक्सिमम त्रिभुज आपको कैसे मिलेगा, किन त्रिभुजों की जो भुजाएं होंगी वो अलग अलग होंगी, और अलग अलग होंगी तो हम हीरोन के सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास ओवरऑल, ये बेसिक फंडामेंटल था आपके पास कि हीरोन के सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ी। और अब मैं यहाँ पे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छा लगा तो आप इसे यहाँ पे से नोट कर लो, मैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि अब फिर यहाँ पे ताकि मैं इसको पहले क्वेश्चन को इस बोर्ड पर क्या कर पाऊँ, सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। और इसे आप, आई होप कि आपने इसे वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आगे, मैं अब देखता है यहाँ पे किस तरीके से सवाल को आगे इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बेटा, कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा हुआ, आगे स्कूल है लिखा हुआ है ना, एक संकेत बोर्ड है आपके पास, आपको पता है जब जहाँ पे स्कूल होता है वहाँ पे क्या होता है, एक बोर्ड इस तरीके का लगा दिया जाता है, ठीक है बेटा। और ये जो इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर बात। ये देखो आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा है ना, ये ए बी और सी त्रिभुज, तो और ये भुजा ए वाले संभव त्रिभुज है, भुजा ए वाला ना, यानी अगर मैं बात करूँ ए बी सी, तो इसके एक भुजा है क्या है, इस भुजा का नाम क्या दे रहे, ए। तो यानी ये संभव त्रिभुज है, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएगी बेटा, ए। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, इसकी भुजा क्या हो जाएगी आपके पास, ए, ठीक है। तो इसकी सारी भुजाएं क्या है, ए है, ठीक है। फिर क्या कहता है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, संकेत बोर्ड का परिमाप, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ कि जो उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको देखो उसका सॉल्व कैसे करेंगे हम, और हीरोन के सूत्र से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो संबाहु त्रिभुज की जो संबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड में ना, इस बोर्ड का नाम क्या, संबाहु त्रिभुज है ना, संबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड में, ठीक है बेटा। ये बोर्ड हो गया आपके पास भुजा, भुजा आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, भुजा देखा जाए तो जिससे हम बोल रहे हैं ना भुजा, ये आपके पास क्या, ए बोला हुआ है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, ए। तीनों भुजाएं क्या है, अगर देखो संभव त्रिभुज के एक भुजा अगर एक हो तो समबाहु, यानी सम मतलब जिसकी तीनों समबाहु है ना, जिसकी भुजाएं क्या हो, सम हो यानी बराबर, तो उसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। तो भुजा अगर ए दिया हुआ है तो तीनों तीनों भुजाएं क्या होगी, ए हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है बेटा आपके पास, परिमाप, तो परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आप अतः परिमाप का सूत्र लगा दो, ठीक है। और देखो परिमाप क्या, सेंटीमीटर, तो ये जो भुजा है ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो मैं आपने परिमाप का सूत्र लगाया, परिमाप क्या होता है बेटा, तीनों को जोड़ना, यानी ए बी प्लस में बी सी त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा और सी ए अपॉन, ये होगा तीनों को जोड़, परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ होता है इसका परिमाप, ठीक है। तो परिमाप आपके क्वेश्चन में 80 दिया हुआ है, तो तीनों क्या है, तीनों भुजाएं जो ए ए ए है, तो ए प्लस में ए प्लस में ए, तो 180 बटा क्या होगा आपके पास, 3a। तो एक को अगर आप यहीं पे छोड़ेंगे तो 180 बटा क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, और से काटोगे तो 60 आ जाएगा, यानी एक मतलब यानी संभव त्रिभुज की जो भुजा है वो क्या आ गई, 60 आ गया, है ना। आप लिख सकते हो अतः संभव त्रिभुज, संभव त्रिभुज ए बी सी की भुजा अब आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया 60, ठीक है बेटा, जिसको हम ए से नोट करें वो 60 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, अब आपको अब भुजा पता लगे, तीनों भुजाएं आपको पता लगे, तो आप क्या करो, अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी आपको, अर्ध परिमाप, क्योंकि हीरोन सूत्र के लिए हमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है, तो अर्ध इसको ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। और अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस में बी सी, आप ऐसे कर सकते हो, अगर मैंने इसको ए माना हुआ है, ठीक है ना,
एबीसी बोलते हैं, चलो ठीक है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में दो। और तीनों भुजाएं क्या है बेटा यहाँ पर आपके पास, अब देखो प्रत्येक भुजा क्या 60 निकाल चुके, तो 60 प्लस में 60 प्लस में, अच्छा ऐसा भी कर देखो, अर्ध परिमाप के लिए आप ये भुजाओं वाला सिस्टम भी ले सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास जो परिमाप है क्वेश्चन में ना, परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है 180, तो आप अर्ध परिमाप यानी परिमाप बटा दो भी लिख सकते हो ना, इस जो मैं अभी कर रहा था उस प्रोसेस से भी निकाल सकते हो, और इस प्रोसेस से तो परिमाप 180 है, तो से आप काटेंगे तो क्या जाएगा आपके पास 90 सेंटीमीटर है, और अदरवाइज परिमाप निकालना सूत्र क्या, तीनों भुजाओं का जो जोड़ बटे में दो, है ना, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकल के आ गया आपके पास 90 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब लिख देंगे हीरोन सूत्र द्वारा, हीरोन सूत्र द्वारा, हीरोन सूत्र क्या होता है, हीरोन सूत्र का सूत्र द्वारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक क्या होता है बेटा फार्मूला, एस एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी होता है, ठीक है ना, एस मतलब अर्ध परिमाप, और एस क्या निकला है बेटा 90 निकला है, 90 90 माइनस में आपके पास फिर से 60, ये होगा 90 माइनस में 60 और 90 माइनस में 60, ठीक है बेटा, तो अल्टीमेट क्या हो गया आपके पास, अगर आप ध्यान दें तो 90, अब यहाँ पे देखो बीचों को नीचे गुना कर से 90 90 में से 60 गया तो क्या आ गया 30, फिर 90 में 60 गया 30, इनके बीचों को निशान था गुना कर निशान था, फिर यहाँ पे लगे 30 गुना में 30, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप यहाँ पहुँच गए। तो अब आप सोच रहे होंगे यार, एक तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे वाह ये तो एक तो रूट में क्वेश्चन, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी रकम 90 30 30 आ रहा है, तो क्या करें, तो देखो उसका इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, मैं इधर लेकर आ रहा हूँ सवाल को, तो बहुत आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, आपको क्या करना है बेटा, इसको अगर सॉल्व करना है आपको रूट में से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो अभी आपके पास क्या है 90 गुना में 30 गुना में 30 गुना में 30 ऐसा करके नीचे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अब इसको थोड़ा सा ही अब रह गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे आपको क्या करना है रूट में बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको जोड़ा बनाने का प्रयास करना है, जैसे 30 का जोड़ा यहाँ पे पहले बना हुआ है तो 30 को तोड़ो मत, अगर 90 क्या करा 90 को भी मैंने क्या किया 30 में तोड़ दिया, नहीं 3 गुना में 30, तो 90 टूट गया आपका 90 आ गया, और ये वाला 30 ये रहा आपके पास, और ये दोनों 30 तो आपके पास यहाँ पे था ही, तो अब देखो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, इसका जोड़ा बन गया इसका जोड़, जिसका जोड़ा बन जाता है रूट में वो क्या होता है बाहर आ जाता है, वो क्या जाता है बाहर आ जाता है, तो एक बार बाहर आता है जोड़ा बनेगा, जैसे 30 का जोड़ा बना तो एक बार 30 बार, फिर इसका 30 का जोड़ा बना ये बार, जिसका जोड़ा बन जाए वो रूट से बाहर आ जाएगा, चूंकि 3 का जोड़ा नहीं बना तो ये 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है ना, तो आप इसे गुना कर सकते हो 3 गुना 3 900 है ना, और बट रूट में 3 सेंटीमीटर क्या क्या स्क्वेयर है, ये आ गया आपके पास इस जो ये समबाहु त्रिभुज था इसका ये क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि रूट के अंदर के क्वेश्चन को आपको कैसे, रूट का जो अंदर की जो वैल्यू आती है मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ, लेकिन आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि कैसे सॉल्व करना है, ये बिल्कुल आसान है तो होता है सॉल्व करना, ठीक है ना, आसान होता है, रूट की जो वैल्यूज होती है आपको क्या करना है जोड़ा बनाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है आपको जोड़ा बनाना है, अगर आप अच्छे तरीके से जोड़ा बना पाए, है ना, जोड़ा बना पाए तो फिर हमें क्या करना है, जोड़ा रूट के अंदर क्या करना है, ऐसे ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करना है कि आपका जोड़ा बन जाए, जोड़ा बन के क्या बनाकर क्या करना है उसको एक बार उसको क्या करना है बाहर ले आना है, ठीक है बेटा, उसको क्या करना है बाहर ले आना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये जो पहला क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, और जब जोड़ा ही बन के बाहर आएगा एक बार तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये बहुत 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 ही आसान, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये जो मैंने निकाला ना संभव त्रिभुज का भुजा का फंडामेंटल, तो यहाँ पर आप संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल था रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी ये जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पर ना संभव त्रिभुज क्षेत्रफल उसका भी आप प्रयोग करके निकाल सकते हो, तो इसके कई सारे तरीके हो जाते हैं, स्कूल में टीचर्स वगैरह भी या यूट्यूब में भी कई टीचर्स के यहाँ पे जो मैंने भुजा निकाला 60 उसके कई सारे तरीके निकालने के, है ना, 60 सेंटीमीटर, कोई रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी संभव त्रिभुज उस वो वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक तरीका कम से कम अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें क्या है यहाँ पर हमने आज ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया, ठीक है ना, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और समझ में आए तो क्या करना है, यस अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो ताकि उनको भी फायदा मिल पाए, ठीक है, और चैनल के साथ आपको बने रहना है क्योंकि चैनल पे मैं आप धीरे धीरे करके सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एनसीईआरटी का 6ठी से लेकर 12वीं तक, तो इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे तो आपको बहुत 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 ही फायदा होने वाला है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।